नमस्कार, मैं हूं देवांशी मोइत्रा। पूरी दुनिया में बहुत सारी जगहें, खंडहर, ऐतिहासिक इमारतें, नदियां होंगी जो अपनी कुछ खास चीजों के लिए जानी जाती हैं, और इन्हीं खास चीजों को लेकर लोग उस जगह या वैसी जगहों पर खींचे चले आते हैं और वहां की खूबसूरती या कलाकारी, सुंदरता को देखकर दंग रह जाते हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही ऐतिहासिक, खूबसूरत, हैरत में डाल देने वाली जगहों के बारे में बताएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो ज्यादा देर ना करते हुए आइए जानते हैं कुछ ऐसे ही अजूबे शहरों के बारे में। बनॉय राइस टेरेसेस, फिलीपींस। फिलीपींस में पहाड़ को काटकर खेती के लिए बनाए गए खेत आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं, और इसे देखने के लिए लोग दुनिया भर से फिलीपींस आते हैं। फिलीपींस के खेत आज से 150 से 200 साल पहले बनाया गया था। इन खेतों की खासियत यह है कि लोगों ने पहाड़ को अपने हाथों से काटकर इसे खेती करने योग्य बनाया था। बागान, म्यांमार। भारत समेत एशिया में मंदिरों की संख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एशिया में सबसे ज्यादा मंदिरों वाले शहरों में बागान का नाम सबसे पहले आता है, जो म्यांमार में स्थित है। इस शहर के एक बागान में पुराने जमाने में 5 से 10 हजार से ज्यादा मंदिर थे। लेकिन अगर आज हम इस जगह की बात करें तो इस वक्त इसमें 2000 से ज्यादा मंदिर हैं, जो बौद्ध धर्म को समर्पित है। ऐसे मंदिरों को देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी हर साल बागान का रुख करते हैं। टोरन, पोलैंड। इस शहर में सैलानियों के लिए मध्यकालीन बड़ी बड़ी इमारतें, स्कूल, कॉलेज और मनोरंजन के साधन बने हुए हैं, जो देखने में बहुत ही सुंदर और दिल को छू लेने वाले लगते हैं। इन सभी खासियतों को देखते हुए यहाँ पर दुनिया भर से लोग खींचे चले आते हैं। मीटियोरा, ग्रीस। ग्रीस को देवताओं का शहर भी कहा जाता है। ग्रीस के शहरों में थेन, सैंटोरिनी, मैकोनोस, डेल्फी, मेटोरा, रोड्स जैसे शहर देखने लायक हैं, और इन शहरों को देखने के लिए दुनिया भर के सैलानी ग्रीस खींचे चले आते हैं। उन्हीं शहरों में से एक शहर है मेटोरा। मेटोरा में प्राचीन मठों की संख्या बहुत ज्यादा है, और कुछ मठों का निर्माण पहाड़ी चट्टानों को काट कर किया गया है, जो बहुत ही सुंदर नजारा पेश करते हैं। टावर ऑफ हर्क्यूलिस, स्पेन। इस लाइट टावर के बनने का इतिहास मिस्र के पिरामिडों जितना ही पुराना है। ये सिर्फ एक लाइट हाउस ही है, और ये दुनिया का सबसे पुराना इस्तेमाल होने वाला सबसे पुराना लाइट हाउस है। लाइब्रेरी ऑफ सेल्सस, टर्की। यूनानी वास्तुकला से बनी ये लाइब्रेरी दुनिया की बेहतरीन लाइब्रेरियों में से एक है, और ये लाइब्रेरी रोमन सीनेटर एडिफिस को याद करते हुए बनाया गया है। ये भी दुनिया के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, और दुनिया भर के सैलानी इस ऐतिहासिक इमारत को देखने के लिए आते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।